हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 9। तो कंप्लीट हो गया है और उसी जो चैप्टर 9 आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आया है या नहीं आया। जैसे मैंने बिल बनाना सिखाया था ना, तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर दी गई एक्टिविटीज़ उसको आप करके सेंड करना है। करना क्या है बच्चों, यहाँ कुछ आइटम्स दिए गए हैं और उनके रेट, ठीक है। अब आपको एक बिल बनाना है। बिल कितने, टोटल आइटम काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले आपको लिखने हैं आइटम्स, ओके। आइटम यहाँ पर दिए हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर कॉस्ट दी गई है। प्रत्येक आइटम की आप कॉस्ट दी गई है। तो अब आपको करना क्या है, एक बिल बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आइटम लिखेंगे जैसा आपने बिल बनाया ना, यस। तो बस आपको यहाँ पर वही करना है। जैसे यहाँ सबसे पहले 7 बॉटल शैम्पू ख़रीदनी है, लेकिन यहाँ पर शैम्पू बॉटल 3 के कॉस्ट दिए, 3 शैम्पू बॉटल के कॉस्ट दिए हैं। तो सबसे पहले बच्चों 1 बॉटल कॉस्ट फाइंड करेंगे, ओके। तो करना क्या है आपको, 3 बॉटल कॉस्ट इज़ 450 रुपीज़। तो आप सबसे पहले डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएंगे 150 रुपीज़ आ जाएंगे ना। अब 150 रुपीज़ जो है, 150 रुपीज़ 1 बॉटल कॉस्ट आई है। तो अब आपको कितनी बॉटल ख़रीदनी है, 7। तो आप क्या करेंगे आप, यस, 7 × 150 रुपीज़, ओके। तो कितना अमाउंट आ जाएगा, तो वो अमाउंट आप लिख देंगे। सपोज देन अमाउंट कितना आता, 1050, ओके। अच्छा, इस प्रकार अब आपको 18 बुक्स भी लेनी है। तो चलिए बुक्स का रेट पता करते हैं। बुक्स की कॉस्ट है, यस, 10 बुक की कॉस्ट दी है। कितनी बुक की कॉस्ट दी है, 10 बुक की कॉस्ट दी है 360। तो बच्चों जब 10 बुक की कॉस्ट दी है 360, तो सबसे पहले 1 बुक की कॉस्ट फाइंड कीजिए, ओके। तो करना क्या आपको, यस, 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 बुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 36 रुपीज़। कितनी आ गई बच्चों, 36। तो अब आपको बुक्स कितनी लेनी है, बुक्स आपको लेनी है 18। 1 बुक कॉस्ट कितनी है, 36। तो 18 की क्या हो जाएगी, 18 × 36, ओके बच्चों। मल्टीप्लाई करने पे बुक्स का अमाउंट पता चल जाएगा। फिर आते हैं शर्ट। तो शर्ट यहाँ पे दी है 4। कितनी दी है, 4 शर्ट मिलती है 800 में। 4 शर्ट की कॉस्ट कितनी है, 800। तो चलिए सबसे पहले 1 शर्ट की कॉस्ट फाइंड कीजिए बच्चों। तो 1 शर्ट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 4 × 8 यानी 200 रुपीज़। 1 शर्ट की कॉस्ट हो गई 200। तो आपको ख़रीदनी कितनी है, 6 शर्ट, ओके। तो अब आप क्या करेंगे, 200 × 6। तो शर्ट का अमाउंट कितना आ जाएगा, यस, लमसम 1200, ओके, या एग्जैक्टली। इसी प्रकार से अब हम खरीदेंगे बेल्ट। बेल्ट की कॉस्ट कहाँ दिए, ये देखिए बेल्ट की कॉस्ट दिए, ठीक है। तो यहाँ 2 बेल्ट्स की कॉस्ट दिए। कितनी बेल्ट की कॉस्ट दिए, 2। तो इससे के लिए सबसे पहले हम 1 बेल्ट कॉस्ट फाइंड करेंगे। 2 बेल्ट की कॉस्ट कितनी बच्चों, कॉस्ट ऑफ 2 बेल्ट 570 रुपीज़। अब आपको करना क्या है, फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 बेल्ट, ओके। तो 1 बेल्ट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 बेल्ट की कॉस्ट जब आप इससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16 और 2 × 5 = 10, यानी कि 285 रुपीज़, ओके। 1 बेल्ट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 285 रुपीज़। और यहाँ आपको खरीदनी 9 बेल्ट। कितनी बेल्ट्स खरीदनी है, 9। तो अब चलिए 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 285 रुपीज़ में, तो इसका भी अमाउंट आपको पता चल जाएगा, ओके। अब बेडशीट कहाँ है बच्चों, तो चलिए बेडशीट की कॉस्ट हम पता करते हैं। ये 3 बेडशीट की कॉस्ट दी है। अब यहाँ पर भी आपको 1 बेडशीट की कॉस्ट फाइंड करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यस, 3 बेडशीट कॉस्ट
इज़ 1800 रुपीज़। ठीक है, तो वन बेड शीट कॉस्ट इज 600 रुपीज़। कैसे आए 600? हमने यहाँ पर डिवाइड किया, 3 से 1800 को डिवाइड किया, 2 से 570 को डिवाइड किया, 4 से 800 को डिवाइड किया, 3 से 450 को डिवाइड किया एंड 10 से 360 को, तभी तो वन जो भी वन चीज़ थी तो इसकी वैल्यू फाइंड की है ना। ठीक है, जो जिसकी भी हमें कॉस्ट पूछी गई है तो उसके लिए हमको क्या करना था, यस सबसे पहले हमने वन यूनिट की कॉस्ट फाइंड की है, ओके, देन उसके बाद मल्टीप्लाई किया है। अच्छा, अब यहाँ पर बेल्ट की कॉस्ट भी आ गई, बेड शीट की भी कॉस्ट आ गई, 600 आ गया है। ठीक है, 600 का मल्टीप्लाई आप कितने करेंगे, कितनी बेड शीट लेनी है आपको, 12, तो 12 इंटू 600। तो बच्चों आप इन अमाउंट को आपस में प्लस कर देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, जैसे आपने इससे पहले बिल बनाया है आप बिल बनाइए और तुरंत यहाँ पे सेंड कीजिए, ओके। ठीक है, टोटल अमाउंट आपको प्लस करके देना है, जोड़ करके, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना खर्चा किया है ना, या कुमोद की माँ ने कितना खर्चा किया, इतने आइटम, कितने आइटम थे टोटल, 5 आइटम। तो सबसे पहले लिखेंगे आइटम्स, देन कॉस्ट, फिर क्या करना है आपको अमाउंट, ओके, फिर टोटल अमाउंट फाइंड करके बिल बना करके आप तुरंत हमको दीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।